मैं कहूँ कि मतलब बहुत वर्थ है, जे तुसी इधर 2000 भी चार्ज करोगे ना तां भी वर्थ इट है सर। जो थिंग द थिंग्स वी हैव यू हैव टॉट अस इज प्राइसलेस, कि जो चीजां सी सीखियां है या मतलब दैट इज प्राइस। कोर्स की एक्सपेक्ट कीता सीगा जदों ये कोर्स ज्वाइन कीता सीगा? सर मतलब ये बहुत ही डिफरेंट चीज तुसी मतलब दसी है, मतलब मैं तुहानू इदां कहां कि सर जिहड़ी आ चीज तुसी मैट्रिक्स बारी समझ दसी है ना तुसी सानू, मतलब सर ये चीज अपने आप च एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ये मतलब हमेशा मेरे नाल रहूगी। जिन्हें मर्जी टेस्ट दे ला मैं, जिन्नी मर्जी अपने आप च मैं इम्प्रूवमेंट देख सकती हूँ कि इनू देख के, मतलब मैं ये मतलब सर इट्स लाइक कि ये बहुत वड्डी एडवांटेज है जिहड़ी आ टेस्ट दी। जदों मैं क्रैश कोर्स ज्वाइन किया सी मैनू उदों ऐ लगदा सीगा सर कि मतलब इहदे विच तुसी कुछ ना कुछ मतलब अपनिया स्टडीज रिलेटेड इंप्रूवमेंट बारे दसोगे कि आ चीज करनी चाहिए या आ चीज करनी चाहिए, पर जो चीज तुसी दसी वो बड़ी डिफरेंट सीगी, वो परफॉर्मेंस बेस्ड सीगी, मतलब डिलीवरेंस बेस्ड सीगी। एक हुंदा ना सर परफॉर्मेंस ते डिलीवरेंस बेस्ड सीगी सर, जेहड़ा एक क्रॉस कोर्स सी ना, ते वो मतलब मैनू नहीं सी पता कि वो परफॉर्मेंस से डिलीवरेंस बेस होगा। मतलब मैनू लगा सीगा कि मे बी तुसी कुछ एडवांटेज चीजा दसोगे या फिर वे आउट दसोगे चीजा नु इंप्रूव करन दे, राइट, सो मतलब कुछ लाग ही डिलीवरेंस। निकलिया। हाँ जी बट ओवरऑल जो हाँ तुसी जी सोच सर के ऐसे के मार्क्स इंक्रीज करन दा, सो की तुहाडी एक्सपेक्टेशन हाँ पूरी जी हुई? हाँ जी सर हाँ जी एक्सपेक्टेशन सर मेरी पूरी, मतलब मैनू पता लग गया कि जे मैं नंबर अपने 5 नंबर भी वधाने हैं तो मैं किवें वधाने हैं, कि मैं उत्थे खड़ना नहीं है। मान लो सर मेरी परफॉर्मेंस जिन्नी भी है, मान लो 80% मेरी परफॉर्मेंस चल रही है, 85% तो सर मैक्सिमम, और 90% तो नहीं इन्ने चांस होंगे, फिर भी 85 या 87% तक तो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, मतलब ओके जो ओके, ओवरऑल तुसी ये सारे नु हाँ। एक्सेस करके देखो तां तुहाडे किन्ने नंबर इंक्रीज होए आ इस कोर्स दे नाल? ओवरऑल सर इम्प्रूवमेंट हुई है सर 8 मार्क्स तो 9 मार्क्स सर, जिन्ने हाँ सर तुसी 10 कहे सी 8 तो 9 मार्क्स तो सर मतलब मेनू दिख रहे हैं, मे बी 1-2 नंबर होर मेरी आपदियां इम्प्रूवमेंट करके वाज जन सर। हाँ सो तुसी सोचा सीगा कि 5 दिनां दे विच इन्नी आसानी नाल तुहाडे 8 नंबर इंक्रीज हो सकदे? नहीं सर इस चीज सोच हमेशा सोचना यार, 80-77 ने, या फिर हमेशा सोचना 80 ने, यार इन्हें 85 किवें करना है, उन्हें इन्हें 87 किवें करना है। पर वो चीज सर जो ऑलरेडी मेरे को हैगी सी, मैं ओदे वाल तो ध्यान ही नहीं दे रही सी कि मैं जे इन्हें च इंप्रूवमेंट करा मेरे पेपर डिलीवरेंस च इंप्रूव। सर दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिलीवरेंस ऑफ पेपर, द जो तुसी सिखाया मतलब ओदे तो इंप्रूव होया, कोई नवी नॉलेज ऐड करके मैं नंबर नहीं इंप्रूव किते आपदे, नॉलेज मेरी ओही सी, बस मैंने तुसी सिखाया कि मैं परफॉर्म कितना करना ते डिलीवर किदा करना, ओदे नाल ही मतलब सर जे 8-9 नंबर वध रहे है इहदा मतलब तां सर जे मैं 2-3 नंबर तो हर पेपर च लैग कर रही, इट मीनस तां मैं अगला पेपर मेरा क्लियर ही होना चाहिए इस हिसाब नाल तां सर। नहीं बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। मैंने सो तुसी अपने फ्रेंड्स ने भी हाँ ये जी इस गल सर बारे शेयर करना चाहूंगी? हाँ जी सर मेरी हैगी है 2 फ्रेंड सर, मैं उन्होंने दसूंगी कि तुसी जी मैनूं, मैं एक होर चीज देखी सी कि तुसी एक सर 1-2 बच्चे तुसी यूपीएससी दे भी लए सी, मेरी फ्रेंड हैगी सर वो यूपीएससी दी प्रिपरेशन कर रही है सर, ओनू मैं दसूंगी ओदा वो किथे लैग कर दिया ते की मतलब ज्वाइन करना चाहिए। जेड़ा बच्चा भी सर मैं लगता भी मेरे नाल आई जेड़ा दो 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 चार चार नंबरों तो लैग कर रहा है सर, मतलब मैं जरूर उन्होंने दसांगी की कहोगे इस तुसी कोर्स उन्हें, बारे। की कहोगे? सर बस मैं उन्होंने यही दसना गा कि जे थोनू अपने आप जे तुसी अपनी परफॉर्मेंस या डिलीवरेंस दा तुसी पेपर किदा अटेम्प्ट करना है, जे तुसी ये सीखना है ते कोर्स से ज्वाइन कर लो। मतलब मैं जेड़ा सब तो ज्यादा इथों सीखी हाँ सर एक चीज है कि मैं पेपर नू डिलीवर किदा करना है, दूजी चीज मैं मतलब मैं अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड नॉलेज नाल ही सर के नंबर किवें इंक्रीज करने है, एग्जिस्टेड नॉलेज ना नंबर इंक्रीज करना सर बड़ा मुश्किल हुंदा है जेड़ी चीज तुसी सिखाई है ना, क्योंकि वही है सर एक्स्ट्रा किन्ना क पढ़ी जावांगे, इस तो बाद ज्यादा ज्यादा कुछ 2-4 होर नवीं चीजा पढ़ लांगे, पर फिर पढ़ना तो उही पौगा ना जेड़ा पढ़ना है एक्चुअल मेन चीज। सर मैं इतों जेड़ी सीखी है पेपर नु किवें अटेम्प्ट करना है, दिस इज मस्ट, मतलब जो मस्ट मैं सीखा है। ऑल राइट सो ससी तुहाडी एक्सपेक्टेशंस पूरियां कीतियां। हाँ जी सर
हाँ जी सर, फर्स्ट डे तो मेनू मतलब समझ नहीं सी आया, फर्स्ट डे तो सर मतलब की है, सेकंड डे भी मेनू नहीं कुछ इन्ना समझ लगा सी, बस नॉर्मल जो तुसी कह था कि पेपर करने ने कर लो सर। एंड द लास्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे वाज वेरी ऑसम, मतलब तीजा चौथा पंजवा दिन तो इदा सीगा कि मतलब यार इको दम एक हुंदा ना सर बड़ी नवी जी चीज सीख ली, यार आ की सर ने दसता, मतलब ये तो बड़ी बढ़िया चीज दसती सर ने, मतलब है ना कि वो चीज है ना कि तुसी सिखाता कि तुसी बस इस अपने आप नु पाई जाओ ते अपनी इंप्रूवमेंट करी जाओ। तुहानू चार एरिए मिल गए सर, दो पॉजिटिव ते दो नेगेटिव, तुसी मतलब वो चार एरिए च काम कर सकते हो ना, कि मतलब एक तुसी ओही जेडे मेरे रोंग ने उन्होंने मैं किदा करैक्ट करना, उन्हां ते वीक वीक पार्ट से काम करना पता लग गया भी वो वीक पार्ट से काम करना। मोर ओवर सर एक और चीज मैनू जेडी इथों मिली सर, मोक टेस्ट लाने तो मैं बहुत ज्यादा डरदी सी, बहुत ज्यादा, मतलब मॉक टेस्ट तो मेनू ए हुंदा सीगा कि मेनू मतलब मेनू अपने मतलब एक हुंदा ना अंडर कॉन्फिडेंस रहिंदा बंदा कि यार पता नहीं मेरे तो होना है कि नहीं होना, अपनी तैयारी ते कॉन्फिडेंस ही नहीं हैगा, भावे आउंदा सर सारा कुछ ही है भावे नहीं भी आंदा आंदा नहीं। मॉक टेस्ट सर मैं दिंदी नहीं सी, पर हुण तुहाडे करके जिवें हुण तुसी दो दो करवांदे रहे हो, पंज दिन सर लगातार दो दो टेस्ट तुसी करवांदे रहे हो, चाहे सर धक्के नाल बह के करदे सी नहीं करदे सी, पर ऐ सी वी हां मॉक टेस्ट करना ही करना है, वी कल नूं सर नूं दिखाउणा है, ते सर ओह चीज ना फिर थोड़ी जी हुण आदत च पै गई है, मतलब मैनूं लगदा कि सर ओह चीज मैं छड्डूंगी नहीं, कि मैं रोज एक मॉक तां जरूर लाया करांगी भावें मेरा कोई भी पेपर होवे या ना होवे। सर मतलब मैनूं जिहड़ी मेन दिक्कत आउंदी है सर मेरी ना स्टैगनेशन हो जांदी है, जदों मान लो ओह तुसीं इह चीज बहुत वे दस्से ने की पढ़ना है, हुण की करां, हुण कित्थों पढ़ां, ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂ ਨੰਬਰ, ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ SSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਲੀ, ਮੇਰਾ SSC ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ 3 ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ 2.5-3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ SSC ਵੀ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰ SSC 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਸਟੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ 5 ਚੋਂ 5।